नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर। तो दोस्तों, आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों PNB बैंक के 2024 के नई वैकेंसी की नई नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। दोस्तों, इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, जिससे कि इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले PNB बैंक भर्ती 2024 की। दोस्तों, इसमें सैलरी है ये 78,000 रुपये तक रहने वाली है। दोस्तों, योग्यता इसमें 10th, 12th या ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है ये 25 फरवरी 2024 से रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने की फॉर्म अप्लाई करने की क्या प्रोसेस रहने वाली है, क्या सिलेक्शन की प्रोसेस रहने वाली है और दोस्तों कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है, इनके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB बैंक में वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट नेम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। और दोस्तों, इसमें कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, ऑफिसर क्रेडिट, मैनेजर फ्रॉक्स, मैनेजर साइबर सिक्योरिटी और SR मैनेजर साइबर सिक्योरिटी, इन पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, बात करें टोटल वैकेंसी की, दोस्तों टोटल वैकेंसी 1025 रहने वाली है। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और दोस्तों ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। दोस्तों, ऑनलाइन टेस्ट रहने वाला है और इंटरव्यू होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होने वाला है। दोस्तों, बात करें सैलरी की, सैलरी आपकी 36,000 रुपये से लेकर 78,000 रुपये तक रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। दोस्तों, बात करें एज लिमिट की, दोस्तों मिनिमम एज 18 ईयर और मैक्सिमम एज 38 ईयर। तो दोस्तों, आपकी एज 18 से 38 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें नियमों के अनुसार इसमें छूट भी मिलने वाली है, यानी कि OBC को 3 साल की छूट और SC ST को 5 साल की छूट मिलने वाली है। दोस्तों, बात करें अप्लीकेशन फ़ीस की, दोस्तों जनरल और OBC के लिए फॉर्म फीस है 1,180 रुपये और दोस्तों SC ST के कैंडिडेट के लिए अप्लीकेशन फ़ीस है 59 रुपये। दोस्तों, पेमेंट आपको ऑनलाइन बाय क्रेडिट डेबिट नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करना है। दोस्तों, बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, दोस्तों डिग्री या PG किया हुआ कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है ये यहाँ पे दी गई है। दोस्तों, बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, यानी कि 7 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, इसकी लास्ट डेट है 25 फरवरी 2024 रहने वाली है, यानी कि 25 फरवरी से पहले पहले आपको आवेदन करना है। दोस्तों, जिस भी कैंडिडेट का सपना है पंजाब नेशनल बैंक में जॉब पाने का, उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है अप्लाई ऑनलाइन लिंक, इस लिंक पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है इंग्लिश और हिंदी नोटिफिकेशन, तो आप कोई सा भी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये है नोटिफिकेशन। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है ऑनलाइन पंजीयन स्टार्ट होगा 7/2/2024 से स्टार्ट हो गए हैं और ऑनलाइन की अंतिम तिथि है 25/2/2024। और दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा होने की संभावित तिथि है मार्च-अप्रैल 2024 में आपकी एग्जाम होने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है पदनाम और दोस्तों यहाँ पे दे रखा है रिक्तियों की संख्या और यहाँ पे दे रखा है वेतन, यानी अलग अलग पदनाम की अलग अलग रिक्तियाँ, यानी कि कितनी पोस्ट आई हुई है और कितना पेमेंट रहने वाला है, ये यहाँ पे दिया गया है। और दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे पोस्ट का नाम है, पद का नाम है और दोस्तों यहाँ पे टोटल रिक्तियाँ, फिर यहाँ पे दे रखी है कैटेगरी, यानी कि जनरल में कितनी है, OBC में कितनी है, SC ST में कितनी है, यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे दे रखा है पात्रता मानदंड, यानी कि ये पात्रता भी होना अनिवार्य है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है आयु सीमा में छूट किन किन को मिलने वाली है, ये यहाँ पे दे रखा है। दोस्तों, स्क्रॉल करके नीचे जाने पर आपको मिलेगा चयन प्रक्रिया, यानी कि क्या सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे दो एग्जाम होने वाली है, भाग फर्स्ट और भाग सेकेंड, यानी कि तार्किक क्षमता है, इसके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, अंग्रेजी भाषा 25 नंबर 25 क्वेश्चन की होगी। और दोस्तों, मात्रात्मक अभिक्षमता, दोस्तों 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होने वाले हैं। और दूसरा भाग होगा उसका व्यवसायिक ज्ञान होना जरूरी है, जिसमें 50 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे। और दोस्तों, इसमें टोटल टाइम मिलने वाला है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का समय मिलने वाला है। और दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहने वाली है। दोस्तों, स्क्रॉल करके नीचे जाने पर परीक्षा केंद्र का नाम दिया गया है, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा होगी उसका सेंटर क्या रहने वाला है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में कौन सा रहने वाला है, असम में क्या रहने वाला है, बिहार में क्या रहने वाला है, यह अलग अलग परीक्षा केंद्र दिया गया है। दोस्तों, ये थी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ऐसी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।